आज मैं आपके साथ एक हॉन्टेड डॉल के बारे में बात करूंगी जिसकी कहानी पुरिसरारियत से भरपूर है। जब आप हॉन्टेड डॉल के बारे में सोचते हैं तो मुमकिना तौर पर आपके जहन में एक अजीब और गरीब पुरानी विक्टोरियन चीनी मिट्टी से बनी हुई गुड़िया नज़र आती होगी, जो कि आजकल आपके आसपास या बच्चों के खिलौनों में भी नज़र नहीं आती होगी। मैं जिस गुड़िया के बारे में बात कर रही हूँ वो कोई और नहीं बल्कि डिज्नी की मशहूर गुड़िया एल्सा गुड़िया है। एक एल्सा गुड़िया 2013 में ह्यूस्टन के इलाके में क्रिसमस के तोहफा के तौर पर एक घर में दी गई थी, जो कि इस साल के शुरू से सुर्खियाँ बनी हुई है। ये एल्सा गुड़िया बटन दबाने पर फ्रोजन फिल्म के डायलॉग सुनाती और इस फिल्म का गाना लेट इट गो गाती थी। एमिली मेडोनिया, जिसके घर में ये गुड़िया मौजूद थी, उसका कहना है कि 2 साल तक ये गुड़िया सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान में ही गाने सुनाया करती थी, मगर 2015 के बाद से कुछ अजीब चीज़ें होना शुरू हो गईं। अब ये गुड़िया गाना स्पेनिश ज़बान में गाना शुरू हो गई। ये बहुत बेतरतीब था, कभी वो गाना इंग्लिश ज़बान में गाती और कभी स्पेनिश ज़बान में गाना शुरू कर देती, जबकि इसमें ऐसा कोई बटन भी मौजूद नहीं था जो कि ज़बान को तब्दील कर सके। ये ख़ानदान 6 साल से ज़्यादा अरसे से इस गुड़िया का मालिक है। एमिली मेडोनिया का कहना है कि उन्होंने कभी भी इस गुड़िया की बैटरी नहीं बदली। ये गुड़िया अचानक से कभी बोलना शुरू हो जाती है और कई बार ऐसा तब भी हुआ जब उसका स्विच भी बंद होता था। ऐसा कई बार हुआ कि स्विच बंद होने के बावजूद भी ये गुड़िया बोलती रहती थी। इस बात से डरकर 2019 के दिसंबर में इस ख़ानदान ने इस खौफनाक गुड़िया को बाहर फेंकने का फ़ैसला किया। एमिली मेडोनिया ने गुड़िया को कूड़े के डब्बे में फेंक दिया, मगर एक हफ्ते के बाद गुड़िया घर के अंदर वापस आ गई। फैमिली वालों ने गुड़िया को कमरे के अंदर एक बेंच पर बैठे हुए पाया। एमिली मेडोनिया ने KPRC2 ह्यूस्टन न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए बताया कि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि गुड़िया को फेंकने के बावजूद भी वो घर में वापस कैसे आ सकती है। इसलिए उसने अपने सब बच्चों से पूछगिछ की। तमाम बच्चों का यही कहना था कि उन्होंने उसे वापस नहीं लाया। उसे इस बात का यकीन था क्योंकि उसके बच्चे कभी भी कचरे के डब्बे को हाथ नहीं लगाते थे और ना ही वो उसकी गहराई तक पहुँच पाते थे। अब की बार जब ये गुड़िया घर वापस आई तो उसने अंग्रेज़ी गाना लेट इट गो गाना बिल्कुल छोड़ दिया। जब इसका बटन दबाया जाता तो ये सिर्फ स्पेनिश ज़बान में बोलती थी। इसके बारे में इस फैमिली ने सोचा कि अब के बार इसे कहीं दूर फेंकना है। एमिली का कहना है कि उन्होंने अब की बार गुड़िया को एक डबल शॉपर में बंद किया और उसे डस्टबिन के आखिर में कूड़े के नीचे उस दिन रखा जिस दिन से वो कूड़ा निकलना था। कूड़े वाला ट्रक आया और कूड़े को लेकर चला गया, साथ में खौफनाक एल्सा गुड़िया भी चली गई, तो फैमिली ने सुकून का सांस लिया। उसके बाद ये फैमिली कुछ दिनों के लिए सफ़र पर रवाना हो गई और घूमने फिरने के बाद जब ये लोग घर वापस लौटे तो उनकी हैरत की इंतहा ना रही जब उन्होंने देखा कि पिछले सहन में गुड़िया उनके इंतज़ार में बैठी हुई है। इस बार ख़ानदान बुरी तरह से डर गया। उन्होंने मिनेसोटा में अपने एक फैमिली फ्रेंड को कॉल की और मदद के लिए बोला। उसके बाद उनका दोस्त आया और गुड़िया को अपने साथ ले गया और उसे अपने ट्रक के बम्पर पर टेप के साथ बांध दिया। मेडोनिया के ताज़ा तरीन फेसबुक अपडेट के मुताबिक अभी तक वो गुड़िया उस ट्रक के साथ बंधी हुई है और वो ह्यूस्टन वापस नहीं आई।